नमस्कार कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है आज के प्रमुख कृषि समाचारों में ग्राम पंचायतें होने लगी हैं हाईटेक जीएम फसलों को बढ़ावा रेशम विभाग करेगा महिला किसानों का प्रोत्साहन गाजर घास से जैविक खाद बनाएं और कृषि पुरस्कारों के लिए आवेदन किसान भाइयों अब कृषि समाचार विस्तार से किसान भाइयों उत्तर प्रदेश की लगभग बावन ग्राम पंचायतें हाईटेक होने जा रही है सभी ग्राम पंचायतों को सरकार की तरफ से लैपटॉप और डेस्कटॉप मुहैया कराया जा रहा है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र या फिर खसरा खतौनी एक क्लिक पर सारी जानकारी गांव वालों को पंचायतों पर स्थित लैपटॉप या डेस्कटॉप से पंचायत सहायकों के माध्यम से मिल जाया करेगी एक पंचायत सहायक के जिम्मे तीन से चार ग्राम पंचायतों के लाभार्थी होंगे सरकार की तरफ से शुरू होने वाली योजनाओं की जानकारी गांव वालों तक या तो पहुंचती नहीं थी या बहुत विलंब से पहुंचती थी इसके कारण गांव वालों को सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता था ग्राम पंचायतों के इंटरनेट लैपटॉप डेस्कटॉप से लैस होने के बाद पंचायत सहायकों को यह भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे सरकार की हर नई योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक समय समय पर पहुंचाएं जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स व फसलें हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से लेबोरेटरी में उनकी जीन्स में बदलाव करके तैयार किया जाता है किसान भाइयों इन फसलों को बायोटेक अथवा बीटी फसलों के नाम से जाना जाता है इनके विकास का उद्देश्य किसी फसल को ज्यादा उत्पादन देने के साथ ही उसे ज्यादा पोषक बनाना बीमारियों कीट पतंगों सूखे पाले खारे पानी आदि से बचने की क्षमता से लैस करना होता है हालांकि कुछ संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार ने जीएम फसलों को बढ़ावा देने की तरफ तेजी से कदम उठाया है और विरोध करने वाले संगठनों से बातचीत भी की जा रही है कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जिस गति से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए सन 2050 तक आज के मुकाबले करीब 50 फीसदी अधिक खाद्यान्नों की जरूरत पड़ेगी इन जरूरतों को परंपरागत फसलों के दम पर किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता दुनिया में सबसे पहले वर्ष उन्नीस में तंबाकू का जीएम प्लांट विकसित किया गया था वर्ष उन्नीस में इसके अमेरिका और फ्रांस में फील्ड ट्रायल किए गए थे इसके बाद टमाटर आलू सोयाबीन कपास धान मक्का ज्वार पपीता चुकंदर राई आदि फसलों की जीएम किस्में तैयार की गई आज इन फसलों का भरपूर लाभ किसानों को मिल रहा है प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश की महिला कृषकों के विकास के लिए एक विशेष परियोजना लागू की गई है इस महिला रेशम परियोजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रेशम उद्योग के विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित किया जा रहा है यह योजना महिला किसानों के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक हो रही है किसान भाइयों आपको बताते चले कि रेशम उद्योग में मानव श्रम का लगभग साठ प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का होता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रेशम विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है उल्लेखनीय है कि रेशम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्यारह परियोजनाएं चलाई जा रही है किसान भाइयों गाजर घास जिसे पार्थी भी कहते हैं एक विनाशकारी और अवांछित पौधा है खेती के लिए यह एक चुनौती बना हुआ है यह पौधा मनुष्यों और पशुओं दोनों को त्वचा और सांस की बीमारी देने वाला पौधा है इस घास को न तो जानवर खाते हैं और न ही इसे नष्ट करने की कोई दवा बन पाई है किसान भाइयों इस अवांछनीय पौधे से जैविक खाद बनाने की एक तरकीब विज्ञान अनुसंधान निदेशालय ने निकाली है गाजर घास को काटने के बाद इसे तीन फीट गहरे गड्ढे में डाल दे इस गाजर घास के ऊपर सौ किलोग्राम गोबर की खाद दस किलोग्राम यूरिया और एक ड्रम पानी डाल दें गाजर घास सहित दूसरी चीजों को सड़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल दें इसके बाद गड्ढे को गोबर मिट्टी और भूसे का मिश्रण वाले लेप बनाकर गड्ढे को ढक दें पांच से छह महीने बाद यह गाजर घास कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है इसे गड्ढे से निकालकर धूप में सुखाकर ट्रैक्टर से मड़ाई कर दें ताकि गाजर घास के मोटे तने बारीक हो जाएं। अब गाजर घास से बना यह कंपोस्ट खाद जैविक खाद बन चुका है किसान भाइयों गाजर घास से बने इस कंपोस्ट खाद में गोबर से बने कंपोस्ट से दो गुनी मात्रा में पोषक तत्व होता है गाजर घास से बने इस कंपोस्ट खाद में एक दशमलव शून्य प्रतिशत नाइट्रोजन शून्य दशमलव आठ चार प्रतिशत फॉस्फोरस शून्य दशमलव नौ शून्य प्रतिशत कैल्शियम और शून्य दशमलव पांच पांच प्रतिशत मैग्नीशियम होता है इस कंपोस्ट का प्रयोग बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय करना चाहिए उपास यानी यूपी एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने कृषि क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे के वर्गों में कुल 26 पुरस्कार जाएंगे पुरस्कार पूरे प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में काम के लिए दिए जाएंगे सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा दो विशिष्ट शिक्षक दो विशिष्ट युवा वैज्ञानिक और चार उत्कृष्ट के लिए अवार्ड दिए जाएंगे सत्रह विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार दिए जाएंगे आवेदन की अंतिम तिथि मार्च दो है। इसके बारे में विस्तृत विवरण उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट upcaronline.org पर उपलब्ध है किसान भाइयों ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की बुआई के समय के अनुसार गेहूं में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन तथा तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन की अवस्था पर करें अनावृत कंडवे की रोगी बाली को निकलते ही सावधानी पूर्वक निकालकर जला दें। इस रोग से ग्रसित बाली अपेक्षाकृत पहले निकल आती है किसान भाइयों जौ की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के पचपन से साठ दिन की अवस्था पर गांठ बनते समय करें चने और मटर की फसल में फलीवेदक कीट और अर्धकुंडली कार कीट का प्रकोप होने पर जैविक नियंत्रण के लिए बेसिलस थी यानी बीटी की कट्स की प्रजाति एक किलोग्राम अथवा एजाडिटिन शून्य दशमलव शून्य तीन एस पी की दो दशमलव पांच शून्य से तीन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें इन कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए फिनवेलरेट 20 ईसी की एक लीटर मात्रा अथवा क्यूनालफॉस 25% फीसदी ईसी की दो लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू यानी बुकनी रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 80% की 2 किलोग्राम मात्रा अथवा ट्राइडोमार्फ 80 ईसी की 500 मिलीलीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें रबी मक्का में तीसरी सिंचाई बुआई के 75 से 80 दिन की अवस्था पर करें वसंतकालीन मक्के की बुआई पूरे माह कर सकते हैं बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर संकर प्रजातियों के लिए 20 किलोग्राम और संकुल प्रजातियों के लिए 22 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है गन्ने की फसल को विभिन्न प्रकार के तनाछेदक कीटों से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर तीस किलोग्राम फ्योराडान का प्रयोग करें किसान भाइयों अपने मवेशियों को समुचित मात्रा में दाना और मिनरल मिक्सचर दें यदि अभी तक खुरपका मुहपका निरोधी टीका न लगवाए हो तो इसे जल्द लगवा लें पशुओं को भूसे के साथ बरसीम मिलाकर खाने को दें किसान भाइयों खेती बाड़ी और पशुओं की देखभाल से संबंधित इन समसामयिक जानकारियों के बाद आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की गेहूँ कासगंज की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल गाजियाबाद में एक हजार रुपए मवाना में एक हजार रुपए और डिवाई मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल के भाव रहा चावल कासगंज मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल गाजियाबाद में दो हजार रुपए और मवाना मंडी में दो हजार रुपए और डिवाई मंडी में दो हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका तिलहन में सरसों कासगंज मंडी में तीन हजार चार सौ प्रति क्विंटल गाजियाबाद में तीन हजार पांच मवाना में तीन हजार पांच सौ चालीस रूपये भाव रहा गुड़ का भाव कासगंज मंडी में दो हजार छह प्रति क्विंटल गाजियाबाद में दो हजार तीन प्रति क्विंटल मवाना में दो हजार और डिवाई मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल के भाव से रहा अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख सब्जियों के मंडी भाव की आलू कासगंज मंडी में पांच सौ सत्तर रुपये प्रति क्विंटल गाजियाबाद में छह सौ पच्चीस रुपए मवाना में पांच सौ अस्सी रुपए और डिवाई मंडी में पांच सौ पचहत्तर रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका प्याज कासगंज मंडी में एक हजार पांच सौ साठ रुपए प्रति क्विंटल गाजियाबाद में एक हजार तीन सौ पचास रुपए मवाना में एक हजार तीन सौ अस्सी रुपए और डिवाई में एक हजार तीन सौ नब्बे रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका बैगन कासगंज मंडी में छह सौ साठ रुपए प्रति क्विंटल मवाना में एक हजार दो सौ पच्चीस और डिवाई मंडी में सात सौ पचास प्रति क्विंटल के भाव से बिका टमाटर कासगंज मंडी में एक हजार एक सौ पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल गाजियाबाद में एक हजार दो सौ पचास रुपए मवाना में एक हजार एक सौ पचहत्तर रुपए और डिवाई मंडी में एक हजार चार सौ पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जाँच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना दे दो ना सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन एफ एस एम के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार क्षेत्र चुने गए हैं जिसमे हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें पाँच एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा के कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ श्यामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं अरे वाह फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा नमस्कार कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों हम हमेशा आपसे यही कहते आए हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा समय अनुसार जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे अपने उसी वादे को पूरा करते हुए आज के कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष भर हरे चारे का उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं और इस बारे में जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से विषय विशे वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को डॉक्टर साहब आपका बहुत भी बहुत भी। स्वागत है स्टूडियो में सबसे पहला प्रश्न हम ये करना चाहेंगे कि वैसे तो पशुओं के लिए हर तरह के चारे की व्यवस्था हमारे किसान भाई रखते ही है जी। तो खासतौर पर हरे चारे की क्या आवश्यकता होती है बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने किसान भाइयों हरे चारे की आवश्यकता इसलिए है कि पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर नहीं मिल पाता पशुओं को वर्ष भर हरे चारा पर्याप्त मात्रा में मिल सके इसके लिए चाहिए कि हम फसल चक्र के अनुसार हरा चारा बोएं वैज्ञानिक विधि से बोएं जिससे कि पशुओं को सुपाच गुड़ का वाला हरा चारा मिल सके पशुओं को जैसा कि आपने पूछा कि हरा चारा की आवश्यकता क्यों है जी। हरे चारे की आवश्यकता आव इसलिए है कि जो संतुलित मात्रा में कम पैसे में पशुओं को संतुलित पशु आहार मिल सके और पौष्टिक गुण पशुओं को हरे चारे से ही मिलता है जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होती है पशुओं की जो वाह्य संरचना है जी। वो भी हरे चारे की वजह से ही बढ़ती है और उनकी प्रजनन शक्ति का विकास उनके शारीरिक शक्ति का विकास और जो उनका मुख्य रूप से उत्पादन है उसका भी हरे चारे से विशेष महत्व है हरा चारा जब तक हम अपने पशु को देते रहेंगे उसके दुग्ध उत्पादन की लागत भी कम आएगी और पशु के उत्पादन में भी वृद्धि होगी जी यानी कि सूखे चारे के आ, के हिसाब से देखा जाए तो हरा चारा उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभ सूखे चारे से पशुओं के शरीर की जो संतुलित पर्याप्त मात्रा आहार की चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती इसलिए पशुपालकों को, को चाहिए कि वर्ष भर अपने पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते डॉक्टर साहब इसी क्रम में एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस समय हमारे किसान भाई कौन कौन से प्रजातियां बो सकते हैं जिससे कि उनको अच्छे से अच्छा हरा चारा मिल सके देखिए पशुपालक भाइयों के लिए संदेश है कि रवि की बुआई का रवि की फसलें लगभग खत्म होने वाली हैं और फरवरी के आखिर से लगा करके और जुलाई अगस्त तक विभिन्न प्रकार की फसलों हरे चारे वाली बोई जाती है जैसे अभी है कुछ बहुवर्षीय चारा घासें हैं बहुवर्षीय चारा घासें जहाँ पे सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे हम एक एक मीटर की लाइन बना करके उसमें पचास पचास सेंटीमीटर की दूरी पे हम बहुवर्षीय चारा घासें जैसे कि हाइब्रिड नेपियर है गिनी हामिल है क्राइसो प्रोग्राम है प्रोग्राम है और भी तीन चार प्रजाति की हाथी घास है इनको हम बो सकते हैं इनको हम जिस तरीके से धान लगाते हैं उसी तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मेड़ों पर और बोने के 45 से 60 दिन के बाद हम इसकी कटाई प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि ये बहुवर्षीय चारा घासें हैं ये जहाँ पे जमीन का पीएच सात से ऊपर है आठ और नौ तक भी है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पैदा हो सकती है दूसरा ये कि हमारे किसान भाई मक्का है ज्वार है बाजरा है लोबिया है इनको भी बोते हैं और इन सबका टाइम बोने का फरवरी आखिर मार्च से स्टार्ट हो जाता है फरवरी का लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक से लगा के अगस्त या सितंबर तक और इसको हम फसल चक्र के हिसाब से अगर धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंतराल के हिसाब से बोएं जिस पशु के पास जितनी संख्या है पशुओं की पशुपालकों के पास जितनी पशुओं की संख्या है जी। उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा थोड़ा पंद्रह पंद्रह दिन के अंतर पर बुआई करें उतना हमको हरे चारे का उत्पादन उतने ज्यादा दिनों तक अधिक मिल पाएगा ये मुख्य रूप से अभी जितने भी सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे मक्के की बुआई ज्वार की बुआई लोबिया की बुआई और ये बहुवर्षीय चारा घास विभिन्न प्रकार की जो होती है, इनकी हैं इनकी हम कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने इसी क्रम में अगला प्रश्न ये उठता है कि वैसे तो किसान हमारे परम्परागत तरीके से उत्पादन करते ही है क्या कोई विशेष तरह की नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हरा चारे के उत्पादन को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है पशुपालक भाइयों हरा चारा उत्पादन की मुख्य रूप से चार विधियां हैं जी एक तो क्योंकि हमारे पशुपालक भाई ये जानते हैं कि अन्य वाली फसलों की तुलना में चारे का उत्पादन वे बहुत कम करते हैं जमीन की पर्याप्त मात्रा दिन पे दिन घटती जा रही है जो हमारे चारा गां है वो भी नहीं उपलब्ध है इसलिए सबसे पहली विधि है ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम ओवरलैपिंग का मतलब यह हुआ कि एक फसल के बीच में ही हम दूसरी फसल को बो दें दूसरा है कि ओवरलैपिंग के बाद मिश्रित खेती अनाज वाली फसलों के साथ हम चारों की फसलों की मिश्रित खेती कर लें दूसरा जो अन्य वाली फसलें हैं उनके रिक्त समय में मतलब एक फसल से दूसरी एक फसल का खत्म होना कटाई और दूसरी फसल के बोने के बीच में जो समय मिलता है उसमें भी हम 60 से पैंसठ दिन वाली हरे चारे की फसलें बो सकते हैं चौथा है कि जो रिक्त समय के बाद जो रिक्त स्थान बचता है एक फसल से दूसरी फसल के बीच में फसल में खेत में जो फसलें बोई गई हैं उसमें जो स्थान है रिक्त स्थान है उसके बीच में बोने से भी इन चार विधियों से अगर हम बोएं तो हमको वर्ष भर हरा चारा मिल पाता है जैसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम की जो बात हमने की अक, अब फरवरी का महीना चल रहा है जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर के महीने में नवंबर नौ, या नवम्बर के महीने में बरसीम बोई थी फरवरी के महीने में उनकी तीसरी कटिंग बरसीम की खत्म हो जाएगी जी। तीसरी कटिंग लेने के बाद उसी बरसीम के खेत में एक एक मीटर के अंतर पर हम हाइब्रिड नेपियर के जड़ों के किलों को एक एक मीटर के अंतर पर लगा देते हैं और जिसमें 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर जी। उसके बाद जब हम बरसीम की पांचवी कटाई अप्रैल के महीने में कर लेंगे तब तो उस समय हमारे पास हाइब्रिड नैपियर जो हमने बोई वो लगभग तैयार हो जाएगी दो महीने के बाद और उस समय हम लोबिया बो दें तो लोबिया जब हमारी तैयार होगी तब तक हमारे पास फिर बरसीम बोने का समय आ जाएगा, जाएगा तो ओवरलैपिंग का मतलब एक फसल के ऊपर हम दूसरी फसल बो दें जिससे कि साल भर हमको जो है हरा चारा मिलता रहे पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे है जी डॉक्टर साहब ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है थोड़े ही समय के बाद गर्मियों का मौसम भी शुरू हो जाएगा तो हम ये चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को ये जानकारी दें कि उस समय वो अपने खेत को किस तरह तैयार करें हरे उत्पादन के चारे के मतलब हरे चारे के उत्पादन हरे चारे के उत्पादन के लिए खेत की तैयारी जैसा हल्की मिट्टी है वहाँ पे तो एक दो जुताई से काम चल जाता है लेकिन जहाँ पे भारी मिट्टी है वहां पे उनको पर्याप्त मात्रा में तीन से चार जुताई करनी चाहिए खेत की उसके बाद मेढ बना करके उस पर हम जैसे विभिन्न प्रकार की घासें हैं उनको हम लगा दें और उसमें हम पंद्रह दिन के अंतर पे उसकी सिंचाई करते रहें और जुताई करने के बाद पचास से साठ टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम उसमें क्योंकि किसान भाई पचास से साठ टन हम गोबर की खास्ट या वर्मी कंपोस्ट हम डाल दें क्योंकि किसान भाई अक्सर चारे वाली फसलों में डी डीएपी या, या पोटास इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर उनके पास गोबर की खाद है तो वो गोबर की खाद डाल दें पर्याप्त मात्रा में जब हमारी खेत की तैयारी हो जाएगी तभी वो अच्छा सा उत्पादन हरे चारे का हो पाएगा जी एक और महत्वपूर्ण समस्या है आ, किसी भी फसल में चाहे वो हरे चारे की हो या कोई भी और फसल हो रोग और कीटों की बहुत बड़ी समस्या है हम जानना चाहेंगे क्या और फसलों की तरह क्या हरे चारे की फसल में भी किसी तरह के रोग और कीटाणु लगते हाँ, हैं हरे चारे की फसल में भी रोग और कीटाणु लगते हैं इसके लिए हमको चाहिए जैसे बरसीम का खेत है या ज्वार का खेत है या दूसरे इसमें सूत क्रमियों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है ज्यादातर निमेट्रोड्स का प्रकोप इसमें ज्यादा बरसीम के और दूसरे हरे चारों को खेतों में देखा गया इसके लिए किसान भाइयों को क्योंकि किसान भाई हमारा चारे के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता दवाइयां छिड़कने की बजाय अच्छा ये रहता है कि जिस खेत में एक बार आज बरसीम लिया उसके बाद उस खेत को हम बदल दें और दूसरी, दूसरी बार खेत को दे। बदल दें उसको रोटेशन के हिसाब से जिस खेत में एक बार हरा चारा लिया या बरसीम बोइए उसके बाद दूसरा खेत बोलिए दूसरा एक सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान भाइयों को चाहिए जब भी हम पशुओं को हरा चारा दें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि चारे में एक दालिए और दो दालिए चारों का समावेश होना चाहिए एक दालिए चारे जैसे कि मक्का है दो दालिए चारे जैसे कि ग्वार है मोट है इसका तो जब एक दालिए और दो दालिए चारों का समावेश हम करके पशुओं को खिलाते हैं तो उनको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है और हमारे पशुओं को स्वादिष्ट गुण के साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी अच्छा रहता है दूसरा जब कुछ महीने पशुपालकों के पास ऐसे होते हैं कि जिसमें हरा चारा उनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन उनके पास पशु इतने ज्यादा नहीं होते कि हम उसको खिला सकें

चारे के पौधे हैं जैसे मक्का है उस तरीके के या बहुवर्षीय चारा घास है उनको हम काट करके और छाया में सुखा करके इस तरीके से पैक करते हैं कि उसमें हवा ना जाने पाए अगर हवा नहीं जाएगी तो उसका गुण या उनके तत्व जो है उनकी नेगेटिव वैल्यू वो खराब नहीं होंगे और हम उसको पशुओं को खिला सकते हैं इसी के साथ साथ हे हे में पतली डंठल वाले पतली डंठल वाले जितने भी हरे चारे हैं उनसे हम हे बनाते हैं और वायु कंडीशन में उसको हम सुखा के रख लेते हैं और जब हमारे पास स्कर्सिटी पीरियड या जब हरे चारे का अभाव होता है तब हम उसको खिलाएं उस तरीके से हम वर्ष भर अपने पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं जी डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं